करण जौहर ने ए दिल है मुश्किल में रिश्तों के समीकरण को मोहब्बत की चाशनी में लपेटकर पेश किया है। एक तरफा प्यार को उन्होंने प्रमुखता के साथ दर्शाया है, साथ ही लड़के लड़की की दोस्ती और मोहब्बत के बीच की पतली रेखा पर भी उन्होंने अपनी फिल्म केंद्रित की है। अयान को सच्ची वाली मोहब्बत होती है अलीजा से, जो कि अली के इश्क में गिरफ्त है। वह अयान को अपना सच्चा दोस्त मानती है। अली के इश्क में उसे वह जुनून नहीं मिलता जो कि अयान की दोस्ती में मिलता है। अयान का प्यार एक तरफा है, वह अलीजा से इसका इजहार भी करता है, लेकिन अलीजा अली से निकाह कर लेती है। दिल टूटने के बाद अयान की जिंदगी में खूबसूरत शहरा सबा आती है, लेकिन अयान के लिए वह जरूरत है, ख्वाहिश नहीं। सबा यह बात समझ जाती है और अयान से अलग हो जाती है। उसका अयान के प्रति एक तरफा प्यार था। सबा तलाकशुदा है, पूर्व पति ताहिर और उसके बीच भी दोस्ती और एक तरफा प्यार वाला किस्सा है। करण जौहर ने फिल्म को लिखा और निर्देशित किया है। कुछ कुछ होता है, कभी अलविदा न कहना जैसी अपनी फिल्मों को मिला जुला कर करण ने ए दिल है मुश्किल में पेश किया है। फिल्म की शुरुआत बढ़िया है, अयान और अलीजा के किरदार अच्छी तरह पेश किए गए हैं। महानगर में रहने वाले युवा सीधे इससे कनेक्ट होते हैं। लंदन की लाइफ स्टाइल, कलाकारों का स्टाइलिश लुक, उनकी कूलनेस आपको बांध कर रखती है। इंटरवल के बाद इन बातों का खुमार उतर कर दर्शकों का ध्यान जब कहानी की ओर जाता है तो निराशा हाथ लगने लगती है। लेखक के रूप में करण जौहर दुविधा में फंसे नजर आते हैं कि कहानी को किस तरह आगे बढ़ाया जाए। दर्शकों का ध्यान बटाने के लिए ऐश्वर्या के किरदार को डाला गया है, ताकि ऐश्वर्या की खूबसूरती और नए किरदार में दर्शक उलझ जाए। फिल्म और कमजोर पड़ती है तो शाहरुख खान भी एक सीन में आते हैं। कहानी के अंत में दर्शकों को इमोशनल करने के लिए अंतिम दांव चला जाता है, लेकिन तब तक दर्शक प्यार और दोस्ती की बहस से ऊब चुके होते हैं। स्क्रिप्ट की सबसे बड़ी कमी यह है कि फिल्म के मुख्य किरदारों के प्यार और अलगाव के भावना की तीव्रता दर्शक महसूस नहीं कर पाते, उन्हें सब सतही लगता है। मुख्य किरदारों के एक तरफा प्यार से लेखक का दिल नहीं भरा तो ढेर सारे किरदार ऐसे डाल दिए जो एक तरफा प्यार करते हैं। अयान और सबा के रिश्ते को इतनी तेजी से दिखाया गया है कि हैरत होती है। दो मुलाकातों के बाद वे सीधे बिस्तर पर नजर आते हैं। सबा अपने पति से क्यों अलग हुई यह बताया नहीं गया। अलीजा और अली के ब्रेकअप की भी ठोस वजह सामने नहीं आती। ऐसा भी नहीं है कि फिल्म बहुत ज्यादा उबाती या पकाती है। निर्देशक के रूप में करण जौहर अपने लेखन की कमी को ढकने में कुछ हद तक सफल भी रहे हैं। कुछ दृश्य ऐसे भी हैं जो मनोरंजन करते हैं, लेकिन इस तरह के दृश्य ज्यादा नहीं है। खासतौर पर सेकंड हाफ में करण के हाथों से फिल्म छूट जाती है और बहुत लंबी लगती है। संगीत के मामले में फिल्म अमीर है। सभी कलाकारों के बीच अनुष्का शर्मा का अभिनय सबसे अच्छा रहा है। बिंदास, बेपरवाह, मजबूत अलीजा का किरदार उन्होंने बेहतरीन तरीके से जिया। प्यार में जुनून और दोस्ती में सुकून वाली बात को उनके चेहरे से पढ़ा जा सकता है। रणवीर की तारीफ इस बात के लिए करना होगी कि उन्होंने अपने कैरेक्टर की बारीकी को ठीक से समझा और पूरी फिल्म में सदा हुआ अभिनय किया है। ऐश्वर्या राय बच्चन का किरदार पावरफुल नहीं है, उनका अभिनय औसत से बेहतर माना जा सकता है। फवाद खान के रोल पर लगता है कि कैंची चल गई है। शाहरुख खान एक सीन में आकर साबित कर देते हैं कि क्यों उन्हें रोमांस का बादशाह कहा जाता है। फिल्म को सिनेमाटोग्राफर अनिल मेहता ने अपने कैमरे की आंख से दिखाया है, जो कि आंखों को सुकून और दिल को ठंडक देती है। ए दिल है मुश्किल का पैकेजिंग बेहद आकर्षक है, लेकिन कंटेंट में कसर रह गई है। इस फिल्म को मैं 5 में से 2.5 स्टार देता हूँ।